से देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी ते मैं हां गीता सक्सेना। आखिरकार एक लंबे अंतराल के बाद रंजीत कतल केस की गुत्थी सुलझी गई है। सुनारिया जेल दे विच बंद राम रहीम जो के अपने ही आश्रम दिया दो महिला साध्वियों दे नाल बलात्कार दे मामले विच 20 साल दी सजा पहला ही काट रहा है। राम रहीम समेत पांच मुलजमान नु सीबीआई दी विशेष अदालत ने आईपीसी दी धारा 302 दे तहत हुण दोषी करार दिता है। हालांकि सजा का ऐलान आउंदी 12 अक्टूबर नु कीता जाएगा। आओ जानते हां आखिर की सी ये पूरा मामला ते राम रहीम दा किस तरह सी इस दे नाल संबंध। आखिर की है रंजीत कतल केस, आओ तुहानू दस दिंदे हां। उसका यह सारी कहानी डेरा मुखी राम रहीम दे आले दुआले ही घूमती है, क्योंकि असल च डेरे दा मुख प्रबंधक रंजीत सिंह सी अते उसका 10 जुलाई 2002 नू कतल कर दिता गया सी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 नू रंजीत सिंह कतल केस दे विच एफआईआर दर्ज कीती सी। ए पटीशन रंजीत सिंह दे बेटे जगसीर सिंह ने दायर कीती सी। सिरसा डेरा मुखी राम रहीम नू इस मामले दे विच चार्ज बनाया गया सी। अदालत दे विच सुनवाई कई बार मुलतवी भी हुई। सीबीआई ने 2003 दे विच दोषियों विरुद्ध केस दर्ज किया सी ते 2007 दे विच अदालत ने दोष तय किए सन, पर 19 साल पुराने इस मामले दे विच फाइनल 12 अगस्त नू होया सी। इस हफ्ते दे शुरू दे विच पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह दे खिलाफ कतल दी सुनवाई नू पंचकुला दी सीबीआई अदालत तों किसी होर सीबीआई अदालत विच तब्दील करन दी पटीशन खारिज कर दित्ती सी। हुण पंचकुला दी सीबीआई विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह अते पांच होर सह दोषियां नू आईपीसी दी धारा 302 दे तहत दोषी करार दिता है। जी हां, आखिरकार डेरा मुखी राम रहीम विरुद्ध चल रहे रंजीत कतल केस दे विच सीबीआई अदालत ने वड्डा फैसला सुना दिया। गुरमीत राम रहीम नू रंजीत कतल केस विच दोषी करार दिता है। दस दईए कि सुनारिया जेल दे विच बंद राम रहीम समेत पांच मुलजमान नू दोषी करार दिता गया। हुण पंचकुला दी सीबीआई विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह अते पांच होर सह दोषियां नू आईपीसी दी धारा 302 दे तहत दोषी करार दिता है अते सजा दा ऐलान 12 अक्टूबर नू कीता जाएगा। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग दी अदालत दे विच तकरीबन 2.5 घंटे दी बहस तों बाद दोषियां नू शुक्रवार नू दोषी करार दिता गया। राम रहीम तों इलावा चार होर जिन्हां नू मुलजम करार दिता गया है उन्हां दे नां हन कृष्णा लाल, सबदील, अवतार अते जसबीर, जबकि एक होर दोषी इंदर सैन दी मौत हो चुकी है। शुक्रवार नू मुलजम डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम अते कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही मामले दे विच पेश होए, जबकि मुलजम अवतार, जसबीर अते सबदील सीधे ही अदालत दे विच पेश होए सी। गौरतलब है कि राम रहीम ते अपने ही आश्रम दियां दो साधियां दे नाल बलात्कार करन ते पत्रकार दी हत्या दा भी दोष है, जबकि साध्वियां दे नाल बलात्कार दे मामले विच राम रहीम 20 साल दी सजा कट रहा है। उस नूं अगस्त 2017 दे विच पंचकुला दी विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिता सी। मगरों सन 2019 दे विच गुरमीत राम रहीम सिंह अते तीन होरनां नूं पत्रकार राम चंद्र छत्रपति दे कतल दा दोषी करार दिता गया, जिस ने डेरा सच्चा सौदा मुखी द्वारा उसके आश्रम दे विच औरतां दे यौन शोषण बारे एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया सी। सो इन्ने वड्डे गुनाहगार नूं उसके गुनाह की सजा मिलन दे विच आखिर इन्नी देरी क्यों हुई, यह सवाल किते ना किते साडे देश की न्याय प्रणाली नूं कमजोर करता विखाई दिंदा है। किसी होर खबर की चर्चा के नाल फिर तो वापस आवांगे, तद तक के लिए मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।